आश्रम से लापता हुई 5 में से 3 लड़कियां बरामद। 5 दबोचे काम के बहाने लाकर बेच दिया था। अंडमान और निकोबार के बनवारी कल्याण आश्रम से लापता हुई 5 युवतियों में से 3 को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन युवतियों को काम के बहाने लाकर बेच दिया गया था। मामले को लेकर आश्रम के कार्यकर्ता गुरु चरण मुंडा ने 30 दिसंबर को कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुरु चरण के द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मामले की पतारसी में जुट गई। टीआई सुनील खेमरिया ने बताया कि जांच के लिए एसआई चेतन शर्मा और दीपक पालिया को झारखंड भेजा गया था। स्थानीय जांच थाने में 5 लड़कियों के संबंध में केस दर्ज था। भरसुला थाना एसआई कृष्णपाल सिंह पवैया के नेतृत्व में झारखंड की टीम शिवपुरी आई और शिवपुरी कोतवाली टीम ने एसआई चेतन शर्मा, दीपक पालिया प्रधान आरक्षक उदल और पुष्पेंद्र व अजीत ने लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान झारखंड पुलिस के साथ शिवपुरी पुलिस ने दबिश देकर सबसे पहले झारखंड के तस्कर बलेश्वर मुंडा को गिरफ्तार किया। फिर शिवपुरी शहर के बड़ोदी में रहने वाले मंटू गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय जगनी गोस्वामी निवासी बड़ोदी, पप्पू पुत्र बाबू परिहार निवासी ग्राम गोंदा को धर दबोचा और यहां पर तीनों की निशानदेही पर एक एक कर तीनों लड़कियां बरामद कर ली। मंटू गोस्वामी लड़कियों के फर्जी पिता बन गए, जबकि पप्पू परिहार और कमर सिंह परिहार ने फर्जी भाई वो बन गए। तीनों ने मिलकर लड़कियों को बेच दिया। मंटू और पप्पू परिहार पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कमर सिंह अभी भी फरार है। सर, ये आश्रम से लापता कुछ लड़कियों को बरामद किया गया, क्या कुछ मामला है? झारखंड में जिला जमशेदपुर में एक थाना है गुराबंदा, वहां से 5 लड़कियों को एक आरोपी बालेश्वर मुंडा यहां काम कराने के बहाने लेकर आया था और यहां आकर उसने उनको इधर उधर कर दिया था। झारखंड पुलिस आई थी, झारखंड पुलिस का सहयोग किया है तो हमने 3 लड़कियां बरामद की हैं, 2 राजस्थान से, 1 यहीं सुभाषपुरा के पास। ठीक सर, आरोपी कितने गिरफ्तार किए? आरोपी 5 गिरफ्तार हुए हैं।